सेवा का अवसर प्रदान किया था बहन इंदिरा झा जी, हमारे अभी जिनको हम भाषण जिनका यहाँ पर सुन रहे थे, सेवा की प्रतिमूर्ति के रूप में जिन्होंने कोरोना महामारी में बहुत लोगों को उस समय में मदद करने का काम किया था जब लोग घरों से निकलना भी जो है बहुत कठिन होता था। भाई जितेंद्र सिंह पंछी जी, भारत सरकार ने उनको पद्मश्री भी दिया है। आनंद सिंह रावत जी हमारे अध्यक्ष भातृमंडल, आनंद सिंह नेगी जी अध्यक्ष गढ़वाल भातृमंडल, जयपाल सिंह नेगी जी अध्यक्ष बद्रीनाथ मंदिर समिति, राजेंद्र सिंह गुसाई जी धन संचन अर्बन सोसाइटी एवं यहाँ इस सभा में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक होने के नाते आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ कि आप लोग इतनी देर रात्रि को इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र हुए। एक बात मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, यहाँ पहुंचकर मैं जिस प्रकार से हमारे चारों उत्तराखंड की चार सभाएं हैं, यहाँ पर चार अलग अलग सभा के लोग हैं, भातृमंडल के लोग हैं, धन संचन हमारी समिति के लोग हैं, उसके अलावा यहाँ पर एक लघु भारत का यहाँ पर दर्शन दिख रहा है, उत्तराखंड भी दिख रहा है, यहाँ पूर्वांचल भी दिख रहा है, यहाँ हमारे 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ गुरु गोविंद सिंह नाम का रहा हूँ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु का खालसा, यह भी दिख रहे हैं, लघु भारत का दर्शन यहाँ पर हो रहा है। तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि यहाँ 4 तारीख को एक तरफा आप लोगों के द्वारा मतदान होने वाला है और यहाँ से चंद्रिका शर्मा भारी बहुमत से जीतने वाली कमलनाथी खेलने वाला है। भाइयों बहनों, मैं पिछले कई दिनों से दिल्ली के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर ये एमसीडी के चुनाव प्रचार में गया हूँ और मैंने हर जगह देखा लोगों के अंदर एक जोश है, जुनून है, यहाँ भी मैं वही देख रहा हूँ क्योंकि लोग काम करने वाले और कारनामे करने वाले, काम करने वाले और कारनामे करने वालों के बीच में चुनाव होने वाला है। ये दिल्ली का चुनाव, ये एमसीडी का होने वाला चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य को तय करने वाला भी चुनाव है। बहुत सारी बात ऐसी है कि तत्कालिक लाभ के लिए भी कुछ लोगों ने यहाँ पर तमाम प्रकार से लोगों को भरमाने का काम, उलझाने का काम, भ्रम जाल बनाने का काम दिल्ली के अंदर किया हुआ है। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आज जहां पूरे देश के अंदर दिल्ली के साथ भी हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम हुआ है, हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम हुआ है, हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम हुआ है, वहीं जिसमें जब यहां की केजरीवाल जी की सरकार हाथ खड़े कर भाग गई थी, ऐसे समय में इसी दिलसाद गार्डन में हमारे संती भाई ने 4200 लोगों से भी ज्यादा लोगों का संस्कार किया था और भाइयों बहनों, भारत के राष्ट्रपति जी ने इनको भारत का सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। हमें याद करना चाहिए वो कोरोना का वो कालखंड, उस कोरोना के कालखंड में जब लोग कह रहे थे, दुनिया कह रही थी कि भारत के अंदर कोरोना आएगा तो क्या हाल हो जाएगा, भारत व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां पूरे भारत को, पूरे देश को व्यवस्थित करने का काम किया, वहीं कोरोना की वैक्सीन का आविष्कार भी किया और आविष्कार ही नहीं किया, पहली वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन, तीसरी वैक्सीन, तीनों की तीनों वैक्सीने मुफ्त में लगाने का काम किया है। किसी को
इसके साथ साथ कोई भूखा न रहे उसकी भी व्यवस्था करी। देश के 80 करोड़ लोगों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई, किसी को भूखे पेट न सोना पड़े, किसी के घर का चूल्हा बंद न हो। एक अभिभावक की तरह प्रधानमंत्री के रूप में भी, एक घर के माता पिता की तरह भी उन्होंने देश के एक एक व्यक्ति की चिंता करी। जब देश का छोटा रिक्शा चलाने वाला, तांगा चलाने वाला, छोटी दुकान चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, मिडिल क्लास वाला, जब उनके काम बंद हो गए, ऐसे समय में सबकी चिंता का भार उन्होंने उठाया। भाइयों बहनों, वही मैं उत्तराखंड से आता हूं। उत्तराखंड के अंदर आज चार धामों में जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी अभी केदारनाथ जी में जहां पुनर्निर्माण का काम हो गया, 2013 में आपदा आई थी, आपदा के समय में पूरा केदारनाथ तहस नहस हो गया था। उस केदारनाथ को भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराया भाइयों। इतना ही नहीं, अभी अभी वहां जाने के लिए केबल कार की भी व्यवस्था हो गई है। आने वाले समय में लिफ्ट से, रोपवे के माध्यम से हम सभी लोग, देशवासी, विदेश के लोग, पूरी दुनिया के लोग बाबा केदार के दर्शन केबल कार के माध्यम से कर पाएंगे, उसका शिलान्यास हो गया। बद्रीनाथ का भी मास्टर प्लान का काम चल रहा है। इसके साथ साथ हमारे सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली हेमकुंड साहब में, हेमकुंड साहब जाने के लिए भी गोविंद घाट तक हेमकुंड तक का 16 किलोमीटर का कठिन रास्ता होता था। बड़े बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही कठिन होता था। जो हमारे अस्वस्थ रहते थे उनके लिए और कठिन होता था। उस रास्ते को भी जिसमें 3 दिन 4 दिन लगते थे, अब मात्र कुछ ही घंटों में वहां भी रोपवे के माध्यम से 13 किलोमीटर का लंबा रोपवे, उसका भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। ऐसे काम जिसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था, वह काम आज लगातार हो रहे हैं। चार धाम जाने वाली सड़कों का निर्माण हो गया।